गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसके पार्ट नंबर 7 तक हमने कर लिया। आज हम पार्ट नंबर 8 की बात करने जा रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में एस ब्लॉक एलिमेंट के हाइड्राइडों के प्रमुख लक्षणों की बात की थी। अब हम आगे के टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। एस ब्लॉक के तत्वों की विलायकन प्रकृति, विलायकन प्रवृत्ति या प्रकृति, विलायकन प्रवृत्ति या विलायक प्रवृत्ति। तो एस ब्लॉक एलिमेंट की हम बात करें या उनके विलायकन प्रवृत्ति की हम बात करें, तो विलायकन प्रवृत्ति की बात करने से पहले हमें विलायक के रूप में क्या लेना पड़ेगा? वाटर। तो कोई भी जो धातु है, क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु या एस ब्लॉक की कोई भी धातु है जो विलायक के साथ में जुड़ सकती है या जल के साथ में जुड़ सकती है, वो अपनी विलायकन प्रवृत्ति को शो करेगी। तो कोई भी धातु अगर विलायक में डाली जाती है, विलायक में घुलती है, तो वो कुछ आयनों को मुक्त करती है और विलायक के अणु उन आयनों के साथ में जुड़ जाते हैं, तो उसे बोला जाता है विलायक योजन। क्या बोला जाता है? विलायक योजन। अगर हम क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु में से क्षार धातु की बात करें, तो क्षार धातु के अंदर सबसे पहला एलिमेंट लिथियम होता है, जो Li पॉजिटिव के रूप में पाया जाता है, क्योंकि यही होता है ना, Na, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर इनको धनायन की फॉर्म में लेकर आएंगे तो ऐसे लेके आएंगे, तो ये क्या होता है? सबसे छोटे आकार का होता है, और ये क्या होता है? बड़े आकार का होता है, बड़े आकार का होता है। सबसे छोटा साइज लिथियम का और सबसे बड़ा साइज जो होता है वो सीजियम का होता है। क्षार धातुओं के जो लवण होते हैं वो अगर जल में घुल जाते हैं तो कुछ आयन मुक्त करते हैं, और आयन्स मुक्त करते हैं तो वो विद्युत का चालन कर सकते हैं, चालकता शो कर सकते हैं, क्योंकि क्षार धातुओं के जो यौगिक होते हैं उनके अंदर आयनिक प्रवृत्ति पाई जाती है। वो जल में घुलते हैं तो आयन्स मुक्त करते हैं, और आयन्स मुक्त होने पर विद्युत का चालन आसानी से हो सकता है। तो हम इनके विलायक प्रवृत्ति की बात करें तो लिथियम का आकार सबसे छोटा, और जिसका आकार छोटा होगा उसका विलायकन अधिक होगा, उसका विलायकन क्या होगा? अधिक होगा। और जिसका आकार बड़ा उसका विलायकन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसका विलायकन क्या हो जाएगा? कम। अगर हम इनके क्षार धातुओं की अनंत तनुता पर चालकता की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और इनकी अनंत तनुता पर चालकता की बात करें, तो उनको लिखते हैं अनंत तनुता पर
चालकता, अनंत नोटा पर चालकता, इनकी जो चालकता होती है वो 33.5, 43.5, 64.8, इसके अलावा 67.5 और 68.4, ये इनकी अनंत तनुता पर चालकता जो है वो होती है। इसके अलावा जो लिथियम है हमारे पास, लिथियम जो है वो छोटे आकार का है और उनके लिथियम के अंदर कोई डी कक्षक भी प्रेजेंट नहीं होता। लिथियम जो है वो 4 वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ सकता है और संकुल यौगिक का निर्माण कर सकता है। संकुल यौगिक तब भी बनता है जब उसके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही हो, तो संकुल यौगिक का निर्माण आसानी से लिथियम कर सकता है। और क्यों कर सकता है? क्योंकि वो 4 वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ सकता है, क्योंकि लिथियम के पास 4 कक्षक खाली होते हैं और वाटर के 4 मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन को दे करके उसके साथ में जुड़ सकते हैं और एक संकुल का निर्माण हो सकता है और उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। उपसहसंयोजक यौगिक कैसे बनते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक के अंदर यही कंडीशन होती है ना, मेटल लिगेंड। मेटल तो हमारे पास यहाँ लिथियम हो जाएगी और लिगेंड क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। उपसहसंयोजक बंध का मतलब क्या होता है? धातु के पास खाली कक्षक होते हैं और लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु ग्राही के रूप में काम करता है, लिगेंड दाता के रूप में काम करता है। इसके पास खाली कक्षक होते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो सकता है और उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है। अगर उपसहसंयोजक यौगिक की दृष्टि से देखा जाए तो अब देखिए, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उनके अंदर भी संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है। हमारा इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक संकुलन प्रवृत्ति आएगा एस ब्लॉक के एलिमेंट की। वहाँ पर हम बात करेंगे अलग अलग प्रकार के यौगिक, अलग अलग प्रकार के संकुल बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े संकुल के का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम विलायक प्रवृत्ति या विलायकन प्रवृत्ति या विलायक योजन की बात कर रहे हैं। तो विलायक हमारे पास वाटर है, तो लिथियम कितने वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ सकता है? तो लिथियम अपने साथ 4 वाटर के मॉलिक्यूल को जोड़ सकता है, क्योंकि लिथियम के पास 4 खाली कक्षक होते हैं और वाटर जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है और बंध बना सकते हैं। जैसे हम करके देखें कैसे होता है। सबसे पहले हम लिथियम की बात करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 और 2s1 हो जाएगा, ठीक है। लिथियम की जनरल स्टेट क्या हो जाएगी? ये 1s हो जाएगा, ये 2s हो जाएगा और ये 2p हो जाएगा। 1s के पास में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s के पास में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। लिथियम
कि अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें हम, तो लिथियम पॉजिटिव बन जाता है। लिथियम पॉजिटिव आयन के इलेक्ट्रॉनीय विन्यास की बात करें हम, तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन और ये चला गया बाहर, तो ये 1s और 2s और 2p, ठीक है। तो कितने कक्ष खाली हो गए, 1, 2, 3 और 4। तो 4 वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ में जुड़ सकते हैं। तो देखिए, 4 जल के अणु, 4 जल के अणु, ये जल का अणु है, इसके साथ 4 जल के अणु के साथ, 4 जल के अणु के साथ बात करें हम, तो ये 1s और ये 2s और ये 2p, ये 4 जल के अणु हो गए, ठीक है, 4 जल के अणु हो गए। उपसहसंयोजक बंद बनाने पर लिथियम H2O4 और पॉजिटिव, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। और ये क्या हो जाएंगे, ये 1s और इनको आपस में 2s और 2p, और इनका जो संकरण हो जाएगा वो हो जाएगा sp3, और चतुष्फलकीय आकृति या चतुष्फलकीय ज्यामिति, चतुष्फलकीय आकृति या चतुष्फलकीय ज्यामिति। अब देखो, ये था विलायकन प्रवृत्ति की हम बात कर रहे थे लिथियम की, कि लिथियम जो होता है वो 4 H2O के मॉलिक्यूल अपने साथ जोड़ सकता है, उपसहसंयोजक बंध बना सकता है। लिथियम के पास 4 खाली कक्षक होते हैं और वाटर के पास एवंदी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जो आसानी से वाटर को दे सकता है और बंध बना सकता है। तो रूप से संयोजक यौगिक का या एक संकुल का निर्माण कर सकता है। अगर हम बड़े क्षार धातु आयन की भी बात करेंगे, ये तो एक छोटे आकार के क्षार धातु आयन की बात की, बड़े क्षार धातु आयन की अगर बात करें, तो बड़े क्षार धातु के अंदर अगर बड़ा क्षार धातु आयन लेते हैं, तो उसके अंदर डी कक्षक खाली होना चाहिए। उसके अंदर क्या होना चाहिए, डी कक्षक खाली होना चाहिए। डी कक्षक खाली होगा तब भी जो हमारे पास जल के अणु हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं और संकरण D2SP3 निकाल सकते हैं, और आकृति या ज्यामिति D2SP3 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, अष्टफलकीय हो जाएगी। ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे हम पोटेशियम को ले लेते हैं, तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 19 होता है इसका, और 4s1। इसके अंदर 3d जो है वो खाली रहेगा, तो हम आसानी से इसको ले सकते हैं।
क्योंकि बड़ा क्षार धातुआइन लेंगे तो उसकी शर्त यही होती है कि उसके अंदर डी कक्षक खाली होना चाहिए। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 ये इलेक्ट्रॉनीय विन्यास किसका हो गया? ऑर्गन का हो गया। और 4s1 ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपने, क्या लिख सकते हैं? ऑर्गन। उसके बाद में इसको बनाते हैं अपने, पहले हम डी को बनाएंगे, यहाँ पर ऑर्गन कर देते हैं। 3d 4s और 4p ये ले लेते हैं, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, क्योंकि बड़ा क्षार धातुआइन ले रहे हैं तो उसकी शर्त थी कि डी कक्षक खाली होना चाहिए, तो इसके अंदर डी कक्षक क्या है? खाली है हमारे पास, तो हम आसानी से इसको ले सकते हैं। 4s में एक इलेक्ट्रॉन और 4p। उसके बाद में जो d है वो खाली है हमारे पास। अगर k पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास की बात करें, k पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉनीय विन्यास की अगर हम बात करें तो देखिए ये 3d, ये 4s खाली हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और ये हमारे पास क्या है? 4p है। क्या है? 4p। तो इसका मतलब अब हम 6 जल के अणुओं के साथ उपसह शून्यक बंध बना सकते हैं। तो 6 जल के अणुओं के साथ उपसह संयोजक बंध बनाकर संकुल का निर्माण करते हैं। और वो संकुल बनता है KH2O6 और पॉजिटिव, ये संकुल बनता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन या संकरण जो है वो D2SP3 आता है। तो देखिए 6 मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे? 3 खाली रहेंगे, इसमें आ गए, तो D का ये हो गया, एक S हो गया और 3p हो गए। ये बन गया D2SP3। क्या बन गया? D2SP3। तो संकरण क्या हो गया? D2SP3 हो गया। संकरण क्या हो गया? D2SP3 हो गया। और आकृति या ज्यामिति क्या हो जाएगी? अष्टफलकीय हो जाएगी। अष्टफलकीय है। तो हम छोटा दनाइन लिया लिथियम का, उसके साथ 4 वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ करके चतुष्फलकीय आकृति को शो किया। sp3 संकरण था उसका। फिर हमने एक बड़े दनाइन को काम में लिया, लिथियम से बड़े दनाइन की बात करते हैं तो उसके लिए शर्त होती है कि उसके पास डी कक्षक खाली होना चाहिए। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास अगर देखते हैं तो उसके पास डी कक्षक खाली रहते हैं। के पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास देखते हैं तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी चला जाता है, तो 2d के ले लेंगे, एक s का ले लेंगे, 3p, तो इसका संकरण D2SP3 आ जाएगा। और D2SP3 आ गया, और इसकी ज्यामिति क्या आ जाएगी या इसकी आकृति क्या आ जाएगी? अष्टफलकीय आ जाएगी। ज्यामिति या आकृति आ जाएगी अष्टफलकीय। और ये KH2O6 पॉजिटिव टाइप का संकुल का निर्माण करता है 6 यौगिक बनने के बाद में। अब देखिए जब हमारे पास कोई भी धातु आयन होता है
और वो धातु आयन अगर जल के संपर्क में जाता है तो एक प्राइमरी सरफेस का निर्माण करता है, प्राइमरी सतह का निर्माण करता है या प्राथमिक सतह जिसको बोलते हैं, उसके अंदर वाटर उसके साथ में बॉन्डिंग करता है। लेकिन जब हम दूसरी सतह या सेकेंडरी सरफेस की बात करें तो वहाँ पर वाटर उसके साथ बॉन्डिंग नहीं करता, उसके साथ प्रबल आकर्षण बल से जुड़ा रहता है। और किसी के अंदर जितना ज़्यादा प्रबल आकर्षण बल होगा उसका विलायकन प्रवृत्ति उतनी ज़्यादा होगी, उसका विलायकन योजन उतना ही ज़्यादा होगा। और जब H2O किसी धातु के साथ बंध बनाता है तो उसकी विलायकन योजन ऊर्जा मुक्त होती है, और अगर विलायकन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से अधिक हो जाए तो वो बाटर के अंदर विलयशील हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे लोक के तत्वों की विलायकन प्रवृत्ति थी जिसके अंदर बाटर जो होता है वो धातु आयन के साथ में जुड़ करके क्या करता है, विलायकन प्रवृत्ति को शो करता है। और धातु आयन के साथ वाटर जुड़ करके कुछ संकुल बनाता है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संकुलन प्रवृत्ति, जिसके अंदर हम संकुल का निर्माण करेंगे। एक बार तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।